हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ये बताने आई हूँ कि बहुत बार होता है कि हम किसी को पैसे दे देते हैं और हमारे पैसे वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, मीन्स रुक जाते हैं, पैसा वापस आता नहीं है। किसी को हमने उधार पे दे दिए, किसी फ्रेंड को या किसी का हेल्प किया और बाद में वो पैसा हमें वापस नहीं मिलता, तो वो पैसे को वापस कैसे लाना है या हमें क्या करना चाहिए उस पैसे को वापस लाने का के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स को, जिसको भी आपने पैसा दिया हुआ है, जिस टाइम के लिए दिया हुआ है, अगर वो नहीं लौटा पा रहा, कोई जेन्युइन रीज़न है कि वो नहीं लौटा पा रहा है, और अगर जेन्युइन रीज़न भी नहीं है और वो नहीं लौटा रहा है, दोनों ही सिचुएशन में मैं जो बताऊँगी आप उसे फॉलो कीजिए, तो आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा या फिर आपको उतने ही अमाउंट का जो पैसा है वो आपके पास वापस आएगा। मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे दिए थे, अब वो इंसान ने क्या किया कि वो तो उसको मतलब कि ये हो गया कि ठीक है मुझे देना ही नहीं है। एक होता है कि किसी को देना नहीं होता जानबूझ के, और किसी का जेन्युइन रीज़न रहता है कि वो नहीं दे पाता। दो रीज़न होते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न है कि देना ही नहीं है, तो आप कितनी बार भी मांग लीजिए वो आपको नहीं देने वाला है। ओके, तो मेरा ये जो सबसे पहला लॉ है, आपको जो रूल फॉलो करना वो ये है, अगर आपने किसी को पैसा दिया है, उसका टाइम पीरियड हो गया है, तो बार बार डेली उसे कॉल मत करके परेशान कीजिए कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। अभी आप बोलेंगे कि हमारे पैसा मांगे ही क्यों ना, क्यों ये परेशान करने वाले, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या कि पैसे को लेकर इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर सबसे पहले आएंगी कि मेरा पैसा डूब रहा है। अब जितनी बार आप कॉल करेंगे, इस इंटेंशन आपके दिमाग में आएगी आएगी कि मेरा पैसा देगा नहीं देगा, दो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी आएंगी। जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग्स आएंगी तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, सामने वाला चाह के भी आपका पैसा दे नहीं पाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि आप जब बार बार किसी को पैसा मांगते हैं तो उसके दिमाग में वो चीज़ आती है, अगर जेन्युइनली उसके पास नहीं है तो उसके दिमाग में वो चीज़ आती है कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए वो सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो भी ख़राब होता है, पैसे का एनर्जी ख़राब होती है, तो उसके पास पैसा आता भी नहीं है। तो आपको बार बार कॉल नहीं करना है, आपने जिसको जो टाइम पीरियड दिया है वो टाइम पीरियड दीजिए, उसके बाद सेकंड टाइम पीरियड दे दीजिए, बट उसके बीच में कभी भी कोई कॉल मत कीजिए। और साथ में ब्लेसिंग दीजिए कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप मेरा पैसा लौटा भी दें, उसके बाद भी आपके पास सफिशेंट पैसा हो, ऐसा आप ब्लेसिंग्स उसको देंगे, वो ब्लेसिंग्स आपको ही मिलने वाली हैं। क्योंकि जो भी हम ब्लेस दूसरों को करते हैं वो हज़ार गुना वापस होकर हमारे पास आता है, तो ब्लेस कीजिए। ओके, दूसरा, पैसे को लेके कभी क्रीपिंग मत कीजिए कि मैंने क्यों दे दिया, क्या कर दिया, वो चीज़ को भूल जाइए, लेट इट गो। आपने एक बार दे दिया, उसके बाद आपने मांग भी लिया, नहीं दे रहा, भूल जाइए। लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारा पैसा भूल कैसे जाए, मीन्स उस इंसान को पैसा दिया ये चीज़ भूल जाइए। आप यूनिवर्स के सामने अपना क्वेश्चन, अपनी डिज़ायर रखें कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। अब यूनिवर्स का काम है कि वो कहाँ से ला के देगा। पहला मे बी यूनिवर्स उसी इंसान के पास इतना बरकत आ जाए, इतनी पैसा आ जाए कि आपको लौटा दे। दूसरे, आप किसी थर्ड पर्सन से या कहीं और से आपको वो पैसा मिल जाए, आपके बिजनेस में कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे आपको वो पैसा आ जाए। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका पैसा किसी ने लिया है, वो नहीं लौट आ रहा है, तो आपको बार बार उससे पैसा नहीं मांगना है। इससे आपकी भी एनर्जी ख़राब होती है और सामने वाले की भी, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। अगर हम उसमें लैक की, कमी की भावना अपने दिल में लाएंगे कि हमारे पास पैसा कम है, तो वो एनर्जी कम होती जाती है। हमेशा हमेशा अपने पर्स में एक ऐसा नोट रखिए, चाहे वो 2000 का, 500 का, ऐसा नोट रखिए जिसको आप लकी नोट भी बोल सकते हैं, उसको कभी खर्च मत कीजिए। और उसको अपने पास रखिए, अपने आप अगर ई वॉलेट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हैं, UPI वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भी अपने अमाउंट इतना सफिशेंट अमाउंट रखिए, 1000-2000, आपके अंदर कभी लैक की कमी नहीं आनी चाहिए। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे को लेके, उनकी बात है, जिनके पास ऑलरेडी है उनकी कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कभी भी कमी जैसा अपने दिमाग में आना नहीं चाहिए कि
और सबसे लोगों का बात क्या होता, मेरे पास पैसे नहीं है। ज़्यादातर लोग यही वर्ड बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। इस अफर्मेशन को बोलना बंद कर दीजिए। हमेशा बोलिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जितना मैं चाहती हूँ उतने मेरे पास हैं। ये चीज़ बोलना चालू कीजिए। अफर्मेशंस बोलिए, आप अपने विश मांगिए, आपको जितना अमाउंट चाहिए। यकीन मानिएगा, अगर सामने वाला इंसान उस परिस्थिति में है कि आपका पैसा लौटाने वाला है, उसका दिमाग चाहे कितना भी उसने सोच ले कि मुझे नहीं लौटाना, फिर वो आपका लौटा के जाएगा पैसा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर उसके पास जेन्युइनली उसके पास नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कई थर्ड पार्टी से वो पैसा आपका लौटा देगा। और जब थर्ड पार्टी से आपको उतना ही अमाउंट मिल जाए, एक्सैक्ट उतना ही अमाउंट मिल जाए, तो समझ लीजिएगा ये यूनिवर्स का इशारा है कि उसके पास नहीं है कैपेसिटी आपका पैसा लौटाने की, इसलिए मैंने ये पैसा आपको कहीं और से दिला दिया है। अभी आप प्लीज़ उससे पैसा मत मांगिएगा, क्योंकि जब उसके पास पैसा आएगा, वो जेन्युइन है, जब उसके पास आएगा तो आपको अपने आप इन फ्यूचर दे के ही जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि आपका पैसा कभी भी कहीं डूबने वाला नहीं है। यकीन मानिए, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपका जो भी रुका हुआ पैसा है वो ज़रूर वापस आएगा। हमेशा अपने पैसे को ब्लेस कीजिए, दूसरों के पैसे को ब्लेस कीजिए, और जब भी पैसा खर्च करें ब्लेसिंग के साथ कीजिए कि आप जिसके हाथ में भी जा रहे हो उसका काम करके 1000 गुना वापस होके मेरे पास वापस आ जाना। उसकी उसकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद 1000 गुना वापस होके मेरे पास आ जाओ, ठीक है। ऐसा आप अपने पैसे को ब्लेस करेंगी। अब जब भी किसी को आप उधार देते हो, इस ब्लेसिंग के साथ कहो कि सामने वाले का काम हो जाए और उसके पास भी 1000 गुना आ जाए, ताकि वो मेरे को भी लौटा दे, ठीक है। ऐसा करके आप करके देखिएगा, आपका जो रुका हुआ पैसा है वो ज़रूर वापस आएगा। आपकी सैलरी हो सकती है जो एक अकाउंट की वजह से, किसी वजह से स्टक हो गई है, नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, या कहीं ऐसा पैसा स्टक में पड़ा है जिसका पता नहीं कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, आपको ज़रूर वो पैसा मिल जाएगा। ट्राई करके दीजिए, देखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किसने मैनिफेस्ट किया इस तरीके से पैसे को, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी किसी और के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी डायरेक्ट कमेंट में पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे कीजिए। मैं आपके बिना नाम लिए आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूँगी कि आपने इतना इतना पैसा मैनिफेस्ट किया। यकीन मानिए, आपकी सक्सेस स्टोरी किसी दूसरे की ज़िंदगी बदलेगी। जब उसकी ज़िंदगी बदलेगी तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको लगता है कि आपको देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए कि चलो करके देखने में क्या जाता है। लेट्स ट्राई, फन के लिए ट्राई करके देखिए। लाइफ में जब चेंजेस आने लग जाएंगे तो आपका भरोसा बढ़ने लग जाएगा। यकीन मानिए, सब चीज़ें होती हैं, सब काम होते हैं, आप इस चीज़ का भरोसा रखिए। थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।